गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, किरचॉफ्स लॉ को अगर अप्लाई करेंगे तो इस एग्जांपल की हेल्प से किस टाइप से मैं डिस्क्राइब ये क्लियर कर रहा था। बाकी आप लोग फिर देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना कि हमें किसी भी कंडीशन में, जैसे सपोज अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल हमें ये फाइंड करना है कि करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस 6 ओम इस टर्मिनल के अक्रॉस अगर करंट फाइंड करनी है, सो I3 या करंट अक्रॉस 3 ओम 1 ओम या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी, किसी भी टाइप से क्वेश्चन होगा तो किरचॉफ्स लॉस की हेल्प से हम किरचॉफ्स लॉ को किस टाइप से एक्सप्लेन करेंगे, किस टाइप से एक्सपेंड करेंगे। तो ये है एक एग्जाम्पल इसकी हेल्प से। सपोज फर्स्ट अगर मैं फाइंड करता हूं कि करंट अक्रॉस 6 ओम, करंट अक्रॉस 6 ओम, करंट अक्रॉस 6 ओम, तो फर्स्ट देखो इसमें हम यूज करेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लॉज। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एट पॉइंट डी, ठीक है, फर्स्ट सेल अगर यहाँ से सपोज करते हैं हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कितने करंट है I2 और 4 वोल्ट, इस सेल से कितनी है I1, तो पॉइंट डी पे अगर जंक्शन लॉ, एट पॉइंट डी जंक्शन लॉ यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा I+I2-I1, इस केस में I3, I1+I2, I1+I2 आउटवर्ड होगी -I3, तो यह I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा I1+I2। जस्ट फिर देखना, अब हम अगर सपोज इसमें मैं एक सर्किट, क्लोज सर्किट इसमें अगर करंट फाइंड हो, किसी भी लूप को चूज कर सकते हो। फर्स्ट मैंने जैसे ABCBA लिया और सेकंड मैंने सेलेक्ट किया कौन सा FEDCF, या पूरा आउटर भी ले सकते हैं, आउटर FEABFE, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास 3 अननोन है, सपोज मैं I3 को अगर यहाँ पे मैं जंक्शन लॉ अप्लाई नहीं करता हूँ, I3 = I1+I2 नहीं करता हूँ, तो फिर हमारे पास कितने वेरिएबल है, 3, I1, I2, I3, तो फिर 3 इक्वेशन बनानी है। मेन ये ध्यान रखना है कि तुमने ओवरऑल की जितने अननोन है आपके पास उतनी इक्वेशंस बनानी है, बाद में लास्ट में आपने सबलिमेशन, एलिमिनेशन या किसी भी मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करके I1, I2, I3 फाइंड कर सकते हो, या उसी मेथड से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस EF। तो फर्स्ट अगर मैं किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करता हूं पर इन क्लोज लूप CAD, ठीक है, ABCBA, तो फर्स्ट इसके अक्रॉस -5 I1, करंट कितनी है I1, -6 I1+I2, -4 I1, फिर -3 I1+4=0। साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है हमें, इस केस में जो डायरेक्शन हमारे ट्रांसवर्स की जो डायरेक्शन है उसी के अलावा अगर मैंने करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट नेगेटिव लिया तो सेल के EMF को भी एक ही साइड लिया है, ठीक है, तब ला सेल के नेगेटिव से अगर पॉजिटिव में जाओगे, ट्रांसवर्स की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो +4=0। फिर ट्रांसपोज करो तो टोटल सॉल्व करके हमारे पास कितना आया, 18 I1+6 I2+4, 9 I1+3 I2=2। ओके, सेम सिमिलरली इन क्लोज लूप DEFCD, अगेन देखो फिर ये है डायरेक्शन, करंट कितनी है हमारे पास I2, ठीक है, बट इस केस में जो ट्रांसवर्स की डायरेक्शन है वो हमने अपोजिट सपोज किया, ट्रांसवर्स की डायरेक्शन है हमारे पास कौन सी, क्लोज लूप तो ये लिया है बट ट्रांसवर्स इस एरो के अकॉर्डिंग इंडिकेट किया है, तो इस टाइप से ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो -5 I2, अगेन -6 I1+I2, -4 I2 एंड -I2 1 ओम के अक्रॉस करंट I2 एंड +2 फिर सेल के नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। एक हिंट ये है कि अगर आपको एग्जैक्ट विदाउट कोई डाउट क्लियर करना है बिना किसी प्रॉब्लम के, तो आप जिस क्लोज लूप को सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें यह ध्यान रखें कि ट्रांसवर्स की डायरेक्शन सेल के नेगेटिव टू पॉजिटिव हो,
फिर लास्ट इक्वेशन यहाँ से बनी 3i1 प्लस 8i2 इक्वल टू 1। ठीक है, जैसे आपको बताया था कि ट्रांसवर्स की डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या लेंगे डायरेक्शन, ईएमएफ की पॉजिटिव और ट्रांसवर्स करंट और रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, तो फिर देखो लास्ट अगर हमने i3 अगर फाइंड करनी है तो इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, उससे पहले इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। अब हम तो इक्वेशन 2 हमारे पास 9i1 3i2 इक्वल टू 2 3i1, तो इक्वेशन 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ कितने से 3 से, ठीक है, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ किसमें इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 को अगर इससे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो 3 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 9i1 प्लस 24i2 इक्वल टू 3। ना सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9i1 प्लस 3i2 इक्वल टू 2 i1, तो यहां से आ गया हमारे पास कितना 20i1 ठीक है 21i2 इक्वल टू कितना बचेगा 1, तो कितना मिला इम्प्लाइज दैट i2 इक्वल टू 1/21 एम्पियर फाइंड कर ली i2। और देखो जैसी i2 फाइंड हुई, अगर i2 फाइंड कर ली तो i2 की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लो ठीक, तो वहां से i1 फाइंड हो जाएगी। फिर अगर मैं यहां से सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में i2 की वैल्यू पुट कर दूं तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 9i1 प्लस 3 इंटू 1/21 इक्वल टू 2, तो कंप्लीट 9i1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 - 1/7, तो 9i1 इक्वल टू 7 × 2 = 14, तो कितना आ गया 13/7 ठीक है। एग्जैक्ट ऑफ इम्प्लाइज दैट ये मिला हमारे पास i1 इक्वल टू 13/63 एम्पियर। तो इस टाइप से देखो इनको सॉल्व करके i2 इक्वल टू 1/21 एम्पियर और i1 इक्वल टू 13/63 एम्पियर। जैसे i1 i2 निकला तो हेंस करंट अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस, अगर 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस अब करंट फाइंड करते हो तो कितना हो जाएगा नाउ i3 इक्वल टू i1 प्लस i2 i1 13/63 प्लस i2 1/21 इक्वल टू 63, तो कितना आ गया टोटल 13/16/63 एम्पियर। तो इस टाइप से एक सिंपल ये सिंपल एग्जांपल है जिसमें हमने क्या 6 ओम के अक्रॉस करंट फाइंड की। ऐसी अगर हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने को पूछ सकते हैं, अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करोगे तो करंट कितनी है 16/63, तो V इक्वल टू IR, रेजिस्टेंस कितना है 6, तो उस फॉर्मूले से फिर सॉल्व कर सकते हो। मेन हम डिफरेंट सर्किट्स के अक्रॉस करंट फाइंड करने के लिए इन कंडीशंस का किरचॉफ फर्स्ट और सेकंड लॉ को कंबाइनली यूज करते हैं ठीक है। तो ये है, होप आपको इस टाइप से, बाकी फिर प्रैक्टिस करते रहेंगे इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के लिए किस टाइप से सॉल्व करना है इस चीज़ के लिए चेक करना। थैंक यू।